हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? शिक्षा भर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं नए शिक्षा सत्र, खरगोन जिले के स्कूलों की हालत बेहाल। दोस्तों, एक जिले की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के हर जिले की बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे पढ़े हम, 200 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं, अतिथि को भरोसे भविष्य गढ़ेंगे हमारे बच्चे। पूरी न्यूज हम देखते हैं तो नए शिक्षक सत्र शुरू होने गया है, लेकिन जिले के स्कूलों में व्यवस्था नहीं सुधरी है। इस वर्ष भी बच्चों को शिक्षक का इंतजार कर रहेंगे। जिले के 200 स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अतिथि के भरोसे नौनिहालों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। शासन स्तर पर उच्च पदों पर भर्ती के साथ शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की कवायद होना है, लेकिन प्रक्रिया अभी भी समय लगेगा। शिक्षा विभाग खुद मान रहा है कि जिले के शिक्षकों की कमी है। हर साल 1.5 लाख विद्यार्थी अलग अलग कक्षाओं में प्रवेश पाते हैं, इसके अनुपात में शिक्षक नहीं है। पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, लेकिन इनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। शिक्षा विभाग में 23 तो जनजाति विभाग में 587 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, इसके बावजूद भी 200 स्कूलों शिक्षक विहीन है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री हेमंत अंडेकर ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति भोपाल स्तर में होनी चाहिए। उच्च पदों पर नियुक्ति की बात, प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। वरिष्ठ कार्यालय के आदेश अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आदिवासी ब्लॉकों में समस्या ज़्यादा है। सबसे अधिक समस्या निन्न भागनपुरा और से गांव ब्लॉक में है। ये कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक नहीं है, कहीं कहीं एकल शिक्षक की व्यवस्था है। ऐसे में इन शालाओं में शैक्षणिक गतिविधियों की अतिथि के भरोसे रहेगी। तो दोस्तों, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक है ही नहीं, और शिक्षा विभाग स्वयं मान रहा है कि शासन स्तर पर जो है शिक्षकों की जल्द से जल्द और भर्ती की जाए, जिससे कि स्कूलों में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसलिए 2018 के जो पात्र कैंडिडेट हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि पद वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग की जाए, जिससे कि लाभ मिल सके। वहीं बात करें वर्ग 3 की तो 51,000 पदों की मांग लगातार जारी है। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।